हेलो स्टूडेंट, सतेंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगले क्लास में पावर ट्रांसमिटर के अंतर्गत हम लोग चर्चा किए थे ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव में बेल्ट की लंबाई ज्ञात किए थे। आज हम लोग पुल्ली के स्पीड कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो जैसे किसी मोटर पर, ऐसे सवाल है, एक मोटर के साथ 100 mm व्यास की पुल्ली 300 चक्कर प्रति मिनट से चलती है, जिसके बेल्ट के द्वारा मेन शाफ्ट पर फिर 200 mm व्यास की पुल्ली से जोड़ा गया है, तो ड्रिवन पुल्ली का स्पीड ज्ञात करें। तो जैसे ये मोटर पर पुल्ली लगी हुई है, इस पुल्ली को ड्राइवर पुल्ली, और मेन शाफ्ट पर जो लगी हुई है ड्रिवन पुल्ली। तो यहाँ पर पुल्ली की स्पीड ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, तो वो सूत्र है डी इंटू एन बराबर डी इंटू एन, यानी डी इंटू एन बड़ी छोटी डी इंटू एन, जहाँ डी बराबर बड़ी डी बराबर ड्राइवर पुल्ली का व्यास, एन बराबर एन जो है ड्राइवर पुल्ली के प्रति चक्कर प्रति मिनट चक्करों की संख्या, इसे RPM भी कहा जाता है। अगला है छोटी डी बराबर ड्रिवन पुल्ली का व्यास, और छोटी एन बराबर ड्रिवन पुल्ली के प्रति मिनट चक्करों की संख्या। अब यहां देखना है हमको कि ड्राइवर पुल्ली का व्यास, जैसे ये ड्राइवर पुल्ली है, इस पुल्ली का व्यास कितना दिया हुआ है, 100 mm की पुल्ली, ये 100 mm का पुल्ली है। तो यहां पर हमको क्या ज्ञात है, d बराबर, अगर हम सूत्र पे बैठाते हैं तो d बराबर 100 mm बड़ी d, और इसके चक्करों की संख्या बड़ी n कितना है, 300 चक्कर प्रति मिनट से चलती है, और चक्करों की संख्या 300 मिनट प्रति, और छोटी d ड्रिवन पुल्ली आगे दिया हुआ है, जिसको बेल्ट के द्वारा मेन शाफ्ट पर फिर 200 mm व्यास की पुल्ली, यानी ड्रिवन पुल्ली 200 mm व्यास की पुल्ली, तो यहां पर भी हमको 200 mm छोटी डी प्राप्त। तो हमको निकालना क्या है, तो ड्रिवन पुल्ली कि स्पीड ज्ञात करें, तो ये पुल्ली कितना स्पीड से घूमेगी, तो यहां डी इंटू एन बराबर डी इंटू एन। तो बड़ी डी हमको मालूम है 100 इंटू छोटी
ये भी मालूम है हमको, 300 बराबर 200 इंटू एन, तो एन बराबर 100 इंटू 300 बटे 200। यहाँ पर अगर हम कटा देते हैं 0 0 तो क्या बचता है, 100 इंटू 3/2 बराबर 300/2 बराबर 150। तो 150 क्या हुआ मेरा, आरपीएम निकल गया, किसका, ड्रिवेन पुल्ली का। आगे हम लोग देखते हैं कि ये तो मेरा ड्रिवेन पुल्ली की स्पीड ज्ञात हुआ, आगे हम लोग मोटर के पुल्ली की व्यास निकालेंगे, पुल्ली का व्यास, ये पुल्ली की स्पीड मालूम हुआ व्यास। व्यास के लिए देखते हैं, एक मोटर की पुल्ली, एक मोटर की पुल्ली 300 चक्कर प्रति मिनट से चलती है, चलती है, जिसको बेल्ट के द्वारा मेन शाफ्ट पर, मेन शाफ्ट पर फीट 200 mm व्यास की पुल्ली से जोड़ा गया है। तो 200 mm व्यास वाली पुल्ली और 200 mm व्यास वाली पुल्ली दो सौ व्यास वाली पुल्ली 150 mm चक्कर प्रति मिनट से चलती है। तो मोटर के पुल्ली का व्यास ज्ञात करना है, तो मोटर की पुल्ली का व्यास ज्ञात करें। यहां पर देखना है हमको कि मालूम क्या है, एक मोटर की पुल्ली ड्राइवर पुल्ली 300 चक्कर प्रति मिनट से चलती है, यानी यहां पर हमको क्या मालूम है, चक्रों की प्रति मिनट की संख्या कितना है, 300, जिसको बेल्ट के द्वारा मेन शाफ्ट पर फीट 200 व्यास की पुल्ली से जोड़ा गया है, 200 mm व्यास की पुल्ली, यानी यहां पर छोटी डी कितना मालूम है हमको, 200 mm, और 200 mm व्यास की पुल्ली 150 चक्कर प्रति मिनट से चलती है, यानी चक्रों की संख्या छोटी एन 150 मालूम है हमको। तो सूत्र पे अगर बैठाते हैं तो डी इंटू एन बराबर डी इंटू एन, तो यहां पर हमको तीन मालूम है, तो क्या निकालना है, बड़ी डी
यानी ड्राइवर पुल्ली की व्यास, ड्राइवर पुल्ली की व्यास ज्ञात करना है हमको। तो डी बराबर, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी इंटू एन बटे बड़ी एन बराबर एन डी इंटू एन। तो डी कितना है, 200 इंटू एन 150 बटे 300। दोनों शून्यों को अगर हम काट देते, 150 × 300 तो बराबर 200/2 बराबर 100। 100 क्या हुआ, 100 mm व्यास की पुल्ली, ड्राइवर पुल्ली ये है जिसको ज्ञात कर रहे हैं। मोटर के पुल्ली का व्यास यानी ड्राइवर पुल्ली का व्यास 100 mm है। नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे।